नमस्कार, आप देख रहे थे खबरदार। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। दिग्विजय बोले, नामांकन में भीड़ नहीं जुटाऊंगा, बीजेपी नेता पर पलटवार। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। कहा मोदी पाकिस्तान गए थे। दिग्विजय सिंह ने भाजपा नेता रामेश्वर शर्मा के इस्लामाबाद भेजने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पता लगा लीजिए 10 साल में देश का कौन सा नेता पाकिस्तान गया है। नरेंद्र मोदी गए हैं, बिना आमंत्रण के गए हैं। दिग्विजय सिंह नहीं गया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने गुरुवार को कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के बाद प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने नामांकन भरने के बारे में जानकारी दी। साथ ही बीते दिनों भाजपा नेता रामेश्वर शर्मा द्वारा दिए गए पाकिस्तान भेजने वाले बयान पर भी पलटवार किया। दिग्विजय सिंह ने बताया कि वह 16 अप्रैल को नामांकन फॉर्म दाखिल करेंगे। इस दौरान उनके साथ 4 लोग ही अंदर रहेंगे। यहां से वह सीधे बैसवा माता जाएंगे और 3 घंटे यज्ञ करेंगे। उन्होंने बताया कि मंडल स्तर पर कार्यकर्ताओं की बैठक भी करेंगे। उन्होंने बताया कि जिस दिन मैं नामांकन दाखिल करूंगा, इलेक्शन कमेटी हर पोलिंग स्टेशन पर चुनाव की रणनीति तय करेगी। नामांकन में भीड़ एकत्रित नहीं करूंगा। दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ लोकसभा सीट से मैदान में उतरने वाले 400 प्रत्याशियों को लेकर कहा कि मैंने लोगों से आह्वान किया है, हो सकता है कि 400 लोग नामांकन दाखिल करें जिससे बैलेट पेपर से ही चुनाव हो। मेरी लड़ाई ईवीएम के खिलाफ है। चुनाव आयोग से किए गए सवालों के जवाब हमें नहीं मिले और ना ही हमें वक्त दिया जा रहा है। इधर दिग्विजय सिंह ने रामेश्वर शर्मा के इस्लामाबाद भेजने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पता लगा लीजिए 10 साल में देश का कौन सा नेता पाकिस्तान गया है। नरेंद्र मोदी गए हैं, बिना आमंत्रण के गए हैं। दिग्विजय सिंह नहीं गया। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया। दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।